अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम। जहांगीर साहब कैसे हैं आप? जहांगीर साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तो हैरान हूँ को यहाँ तक आ कैसे गए ड्राइव करके और हमारे सामने यहाँ पे बेहोश हुए हैं। फिर मैं आप ही का वेट कर रहा था, उनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और उनकी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कीजिए डॉक्टर साहब। क्या आप उनका फॉर्म फिल कर दें और उनके फैमिली मेंबर्स को इत्तला कर दें? आप मुझे उनके घर का फर्दी समझिए। ठीक है, गो अहेड, आप फॉर्म फिल करें उनका। ओके, थैंक यू। जी मैडम। मैं माहिर को कितनी कॉल्स की हैं, फोन ही नहीं उठा रहा। वो मीटिंग में बिजी है और कॉल अटेंड करने से मना किया था माहिर साहब। चलिए ठीक है। अभी बताना मुनासिब नहीं है, माहिर अपसेट होगा। मेरे ख्याल में जहांगीर साहब की मिसेज को कॉल करनी चाहिए, उनका यहाँ होना जरूरी है। बाबर को कहती हूँ उनको फोन करके इतला कर दे। हेलो बाबर, माहिर के अब्बू अस्पताल में, उनकी मिसेस को इतला देनी है। मैं हॉस्पिटल की लोकेशन भेजती हूँ, प्लीज़ उनकी मिसेस को इन्फॉर्म करो। ओके। अम्मी फोन आ रहा है। किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। तो देख लो ना, कहीं जावेद का ना हो। हेलो जी बाबर भाई, कैसे हैं आप? क्या अच्छा, अरे बाबर क्यों फोन कर रहा है? अम्मी अब्बा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में है। या अल्लाह, खैर? अस्पताल में चले गए? कौन से अस्पताल में? ये लोकेशन भेजी है, इफ्तिखार क्लिनिक में है। बेटा वो तो बहुत महंगा अस्पताल है ना। अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप, जल्दी चले। हाँ हाँ हाँ, वाकई चलो जल्दी करो, मैं जरा चप्पल बदल लूं और अपना पर्स ले लूं। चलो आओ जल्दी करो। मुझे भी जाने हैं। हर केस नहीं, तुम क्या करोगी वहां जाकर? मैंने सालन रखा है देखना किचन में सारा। अम्मी भाई प्लीज मुझे भी जाने, मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे अब्बू से मिलना है। हाय, हम दोनों को पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहे हैं वहां पर। तुम्हारी खाला को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगी तुम्हारे पास, कुंडे लगा लेना, बस जल्दी आओ जल्दी करो। चलो भाई बढ़िया, देर हो रही है, जल्दी करो। अम्मी माहिर भाई को फोन कर ले। अरे मैं क्यों फोन करूं उसे, वैसे भी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बाप ने उसे फोन कर दिया होगा।